आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, और वो चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजंस। अब ये प्रोविजंस किन-किन चीजों की? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, राइट। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। हालांकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आपने पहले भी अकाउंटिंग में इसे पढ़ा है, लेकिन शायद आज आपके इस क्लास में बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स को लेकर जितना भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा और बहुत सुंदर क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज बेड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। आपके बहुत सारे डेटर है, ठीक है, मैं बताता हूं कौन कौन आपके डेटर हैं। आपका डेटर है ए बी सी डी ई, ऐसे करके बहुत सारे डेटर है। इसका 5 लाख रुपए बाकी है, दीज आर योर डेटर्स। कौन होते हैं डेटर्स? ये वो लोग हैं जिन्होंने आपसे माल उधार में लिया है, इन्हें आपको पैसे देने हैं। बी का 3 लाख रुपए बाकी है, सी को 2 लाख रुपए मुझे देने हैं, डी को 1 लाख रुपए देने हैं, इसको 4 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। ऐसे करके और भी डेटर्स हैं बहुत सारे, सब मिला के 50 लाख रुपए के टोटल डेटर्स हैं। टोटल डेटर राइट। अब एक बात बताइए, आपको ऐसा डाउट है, आपको ऐसा डाउट है कि ये जो बी है ये 3 लाख रुपए नहीं देगा, ऐसा डाउट है कि बी विल नॉट गिव रुपीज 3 लाख, बी विल नॉट गिव रुपीज 3 लाख, ठीक है, ऐसा आपको डाउट है। डाउट की सर्टेनिटी मान लेते हैं, डाउट भी ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का डाउट है, 80% डाउट है या 90% डाउट है हमको कि ये पैसा नहीं देगा। जल्दी बताइए, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आर वी गोइंग टू से बेड डेब्ट ऑफ रुपीज 3 लाख, और इज इट प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट ऑफ रुपीज 3 लाख? तो मैं आपको बताता हूं, ये है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। दिस इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दिस नॉट बैड डेब्ट, ये बैड डेब्ट नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। क्यों ऐसा है? देखिए, आपका सर्टेनिटी लेवल पता है कितना है? 90%। हम बैड डेब्ट पता है कब चार्ज करते हैं? बैड डेब्ट हम चार्ज करते हैं जब 100% या उससे भी ज्यादा चांसेस है कि ये पैसा डूब गया है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? क्या आपको ये बात पता है? मैं थोड़ा सा लीगल बात आपको बताता हूं, तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी आएगा और आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझेंगे कि होता कैसे है इंडस्ट्री में ये चीज, राइट। क्योंकि आज तो आप यहां पे सीख लेंगे कि प्रोविजन बनाना है, बेड डेब्ट करना है, एंट्री उसकी क्या होती है। अरे जिस इंडस्ट्री में आप काम करोगे तो कोई ये थोड़ी ना बताएगा कि प्रोविजन करना है कि बेड डेब्ट करना है, आप खुद डिसाइड करोगे। तो हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड दिस? ठीक है, एंट्री करना, अगर कोई मुझे बता दे कि ये प्रोविजन की माननी है या बैड डेब्ट की माननी है तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे मैंने अकाउंटिंग पढ़ी है। लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे? पता है, अगर मान लीजिए मैंने बी को का बैड डेब्ट चार्ज कर दिया 3 लाख रुपए का, ठीक है, तो पता है इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बी, और बी मेरे बुक्स में से खत्म हो जाता है। बी का बैलेंस अभी तक डेबिट था, बी का बैलेंस अभी तक मेरे बुक्स में डेबिट था, मैंने एंट्री मारी बेड डेब्ट डेबिट टू बी, बी क्रेडिट हो गया, 3 लाख रुपए खत्म हो गया, बी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से चला गया। अगर मैंने बेड डेब्ट चार्ज कर दिया है तो लीगली अब मैं बी से 3 लाख रुपए रिकवर भी नहीं कर सकता। पता है मैं कोर्ट जाके भी ये पैसा नहीं निकाल सकता। पता है क्यों? क्योंकि कोर्ट कहता है कि जब आप बेड डेब्ट चार्ज करते हो तो आप बी को बदनाम करते हो। सोचिए मैं रिलायंस कंपनी हूं और मैंने ये एंट्री की है, तो पता है मेरे कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने लोगों ने ये देखा कि बी बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ हो गया, मैंने बेइज्जती की है बी की, बी के मुंह पे काली पोती है,
ये कोर्ट का कहना है, कहता है कि आपने ना उसकी इज्जत ले ली, आपने उसके मुंह पे काली पोत दी, तो आपने बराबर कर दिया। अब वो 3 लाख रुपए नहीं दिया तो आप अब रिकवर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने बदला ले लिया, आपने उसके मुंह पे काली पोत दी ना, आपने उसको बदनाम कर दिया, अब नहीं रिकवर कर सकते। जरा आप सोच के देखो, क्या मैं कभी भी बैड डेट चार्ज करूंगा अनलेस आई एम 110% श्योर? नहीं, क्योंकि अगर मैंने बी को बैड डेट चार्ज कर दिया ना तो अब वो वैसे भी नहीं देगा हमें, कहेगा कि अब क्यों दे हम इसको, ये तो मेरे मुंह पे काली पोत दिया है, और हम लीगली रिकवर भी नहीं करा सकते। हाँ, हालांकि वो बहुत सीधा साधा बंदा होगा तो हो सकता है फिर भी दे दे, लेकिन उसे पाने के चांसेस को आपने और खत्म ही कर दिया। बल्कि तो बैड डेट हम तभी चार्ज करते हैं व्हेन आई एम 100% श्योर कि सामने वाला पैसा नहीं देगा, व्हेन आई एम पार्शियली अवेयर कि भाई हो सकता है दे ना दे, कुछ भी हो सकता है, देन आई से इट इज प्रोविजन। ठीक है, अब प्रोविजन कैसे बनता है? ठीक है, एक्चुअली प्रोविजन होता है ना पास्ट एस्टीमेट, प्रोविजन इज ऑलवेज इन पास्ट एस्टीमेट। मैं 10 साल से धंधा कर रहा हूं, पता है मैंने क्या नोटिस किया है, हर साल 5% पैसा तो डूब ही जाता है, हर साल की बैलेंस शीट में जितना डेटा दिखता है ना उसमें से 5% डूब जाता है। कौन लेके डूबेगा? अरे कभी ए डूबता है, कभी बी डूबता है, कभी सी डूबता है, किसी ना किसी का डूबेगा, 5% पैसा डूबेगा, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। तो हम करते हैं एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, 5% ऑफ द क्लोजिंग डेटर, हमारे एग्जाम्पल में 50 लाख रुपए था तो हम 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन बना देंगे। क्या हम ये बताएंगे कि कौन डूबेगा एबीसीडी? नहीं, प्रोविजन में आप ये नहीं बताते, क्योंकि अगर आपने ये बता दिया कि कौन डूबेगा तो वो बेड डेप्ट हो गया, और बेड डेप्ट बोलने का मतलब आपने काली पोत दी, आपने नाम ले लिया। तो प्रोविजन हमेशा टोटल डेटर पे बनता है, प्रोविजन हमेशा टोटल डेटर पे बनता है, जबकि बेड डेप्ट डेटर का होता है, एक पर्टिकुलर डेटर का होता है, आप बदनाम करते हो ये नहीं आएगा। राइट, लेट मी शो यू विद द एंट्री। बेड डेप्ट क्या होता है? बेड डेप्ट की एंट्री होती है बेड डेप्ट डेबिट टू डेटर, डेटर का नाम मिस्टर ए, कौन सा डेटर, ऐसे होती है एंट्री, बट डेटर नहीं लिखा रहेगा वहां, मिस्टर ए नाम लिखा रहेगा, ये होती है बेड डेप्ट की एंट्री। और फिर ये मिस्टर ए का बैलेंस पहले डेबिट था, क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, और ये बेड डेप्ट पीएल में चार्ज होता आता है, पीएल डेबिट टू बेड डेप्ट। ठीक है, जबकि प्रोविजन की एंट्री कैसे होती है? प्रोविजन की एंट्री होती है सीधे पीएल में हम चार्ज करते हैं, पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल लीजिए, या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बोल लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तीनों ही चीज बोली जाती है। तो हम एंट्री करते हैं पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नाम की एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जो हमारी बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, जो हमारी बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए जल्दी बताइए, लाइबिलिटी साइड में दिखना चाहिए, लेकिन सुंदर बैलेंस शीट को दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में दिखेगा पता ही नहीं चलेगा, जबकि वो डेटर से रिलेटेड है, तो हम एसेट साइड में डेटर से घटा के दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इसमें से मिस्टर ए डूब जाएगा, ये ऊपर वाली डेटर लिस्ट में से, कितने का? 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो मिस्टर बैड डेट डेबिट टू मिस्टर ए 3 लाख रुपए हम जैसे ही करेंगे, डेटर ए का बैलेंस खाली हो जाएगा, ये 3 लाख रुपए इसमें से चला जाएगा। ठीक है, अच्छा पूरा डूबा दे, पार्शियल भी डूब सकता है ना, तो चलो इसमें से 3 डूबा तो ये हो गया 2, पिन चेंज कर देते हैं, इसमें से 3 डूबा तो ये हो गया 2, और अब टोटल कितनी हो गई? 47, तो डेटर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 47 लाख का दिखेगा, और ये 3 लाख रुपए हम कहां पर चार्ज कर देंगे? पीएल में चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट मेरा 3 लाख से कम हो जाएगा और डेटर 3 लाख से कम हो गया। बैड डेट का इंपैक्ट क्या होता है? मेरा डेटर 3 लाख से कम हो जाता है, टोटल डेटर 3 लाख से कम हो जाता है, राइट, और मेरा प्रॉफिट भी 3 लाख रुपए से कम हो जाता है। टोटल डेटर 3 लाख से कम क्यों हुआ है? क्योंकि एक पर्टिकुलर डेटर का के नाम के आगे से हमने वो 3 लाख हटाया है। ठीक है, अगर ये पूरा डूब जाता तो 5 लाख रुपए हम हटाते। ठीक है, यानी डेटर का नाम ही चला जाता है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, लेट अस मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि मान लीजिए अगर हम 5 लाख रुपए लिखते तो ये डेटर का नाम ही मेरे लिस्ट में से हट जाता और ये 45 लाख हो जाता।
एम आई क्लियर विद दिस? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है कि मुझे लगता है कि हर बार कोई ना कोई डूबेगा, ए बी कौन डूबेगा ये मुझे क्लियर नहीं है, डूबेगा कोई ना कोई लेके बैठेगा पैसा, ठीक है, कितना डूबता है मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, मान लो 10% पैसा डूबता है, 10% पैसा डूबता है, ठीक है, तो मैं एक ब्लू पेन लेता हूं और इससे बताता हूं, 10% पैसा डूबता है तो 50 लाख का 10% यानी कि 5 लाख रुपया मेरा डूबेगा। अब ये भूल जाओ, बैड डेट वाली बात भूल जाओ, वापस से मान लो ये 50 लाख था, ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा ये बता रहा हूं। तो हम 5 लाख रुपया पीएल में चार्ज करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 5 लाख रुपया। क्या डेटर मेरा कितने का दिखाई देगा? डेटर मेरा आज भी 50 लाख का दिखाई देगा बच्चों, डेटर पे मेरे फर्क नहीं आएगा, 50 लाख रुपए का डेटर आज भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि डेटर अगर आपने कम कर दिया तो आप इसका मतलब है कि किसी का नाम हटा दिए हो, और किसी का नाम अगर हटा दिए हो तो इसका मतलब आपने काली पोत दी, बेज्जती कर दी, बेज्जती कर दी मतलब बैड डेट चार्ज कर दिया, जबकि आप बैड डेट चार्ज नहीं कर रहे हो, आप किसी को बदनाम नहीं कर रहे हो। क्या एक बात बताइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट करके किसी को बदनाम किए? नहीं, डेटर आज भी 50 लाख का दिख रहा है, आपने अब 5 लाख डूबेगा, किसका डूबेगा ये थोड़ी ना बताया है, तो किसी के मुंह पे काली नहीं पोती आपने, ठीक है। तो ये इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट ये होता है कि मेरी बैलेंस शीट में डेटर दिखता है हमें 50 लाख रुपए का, और प्रोविजन जो एक नई लाइबिलिटी खड़ी हो गई है प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये होता है 5 लाख रुपए का। लेकिन आपको तो शुरू से ये बात बताई गई है कि बैलेंस शीट का मतलब सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन नहीं है, उसका प्रेजेंट टेबल दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, डेटर यहां दिखता है और इसी का जो साथी है वो इधर दिखता है, तो कभी कभी मजा नहीं आता देखने में, छूट भी जाता है, तो बेटर नहीं होगा कि इसको उठा के यहां से हटाएं और यहीं पे प्रोविजन लेस कर दें 5 लाख रुपया का, और दिखा दें बैलेंस शीट में 45 लाख रुपया। जल्दी से बताइए, बैलेंस शीट में 45 लाख रुपया का डेटर दिख रहा है, क्या डेटर का बैलेंस 45 लाख रुपया है? आंसर इज नो। जब अगले साल ओपनिंग डेटर का अकाउंट बनाओगे आप नेक्स्ट ईयर, तो पता है ओपनिंग बैलेंस क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी, कितना? 50 लाख ही लिखोगे बेटा, और ये 5 लाख रुपया प्रोविजन का अकाउंट बनाओगे, एक नया अकाउंट होता है अगले साल का, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बता रहा हूं, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग प्रोविजन का अकाउंट कैसा होगा? यहां पे होगा बाई बैलेंस बीडी 5 लाख रुपया। बेटा ये अलग अलग खाते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए लेस करके दिखा दिया जाता है, बैलेंस इसका और इसका इफेक्ट नहीं होता है, ये बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन है। जबकि अगर बैड डेट चार्ज करते हो तो डेटर ही सीधे खाली हो गया होता, अगर मैंने ये वाली एंट्री की होती, मैं आपको बता दूं ये वाली एंट्री, तो सीधे डेटर 45 लाख रुपए का दिखता। बताइए क्या यहां तक आपको बात समझ में आई और मजा आया कि नहीं? सिर्फ बात समझ में आई तो फिर मजा नहीं है, मजा भी साथ में आना चाहिए। डिड यू लर्न समथिंग ग्रेट? चलिए, तो अब आप तैयार हैं मेरे हिसाब से चैप्टर शुरू करने के लिए, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यू मे कॉल इट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यू मे कॉल इट एज प्रोविजन फॉर बैड डेट, यू मे कॉल इट एज इवन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, राइट? फॉर एनी बिजनेस परचेज एंड सेल्स आर द मोस्ट रेगुलर एंड मेन एक्टिविटी, ऑब्वियसली ट्रू, परचेज और सेल यही तो मेन एक्टिविटी होती है बिजनेस की। This attracts business connection with lots of people, either giving or taking benefits of credit. और इसमें credit हमारे देश में तो बहुत जबरदस्त चलती है। There are trades, हमारे देश में कुछ trades हैं जहाँ पे चार चार महीने की भी credit चल रही है, right? 10 दिन 15 दिन नहीं, चार चार महीने, छः छः महीने की भी credit चल रही है। पता है मैं वाराणसी से belong करता हूँ, और मैं आपको बताऊँ, वाराणसी इसका पुराना नाम बनारस है, और ये बनारसी साड़ियों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है? पूरे हिंदुस्तान से रिटेलर्स बनारसी साड़ी खरीदने यहाँ के होलसेलर्स के पास आते हैं, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर आल्सो इनटू द सेम सेक्टर, और वो हमें बताते हैं और हम सरप्राइज हो जाते हैं ये सुन के। वो बताते हैं कि उनके यहाँ क्रेडिट 6-6 महीने की चलती है, मतलब जो रिटेलर साड़ियाँ लेके गया है, बनारसी साड़ियाँ लेके, वो 6 महीने बाद पैसा देगा। मैं कहता हूँ ये कौन सा धंधा है भाई, बट दे से यस दिस इज हाउ हैपनिंग। तो हर सेक्टर में, हर ट्रेड में अलग अलग किस्म की क्रेडिट पीरियड चल रही है, ठीक है? डेटर हमारा कस्टमर है जिसने उधार पे माल लिया है, और क्रेडिटर हमारा वो सप्लायर है जिसने हमें उधार पे माल दिया है। दिस अट्रैक्ट्स बिजनेस कनेक्शन विद लॉट्स ऑफ पीपल ईदर गिविंग और टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट। डेटर रिफर्स टू दोज एंटिटीज हु टेक द बेनिफिट ऑफ द लेट पेमेंट, जिसने बेनिफिट लिया है हमसे कि भाई देर में पैसा देगा,
और क्रेडिटर वो है जो हमें ये बेनिफिट देता है कि तुम भाई देर से पैसा दे देना, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल एंड रियलाइजेशन और पेमेंट ऑफ कैश। तो जब उधार है तो पैसा डूबेगा, ठीक है, और पैसा जो डूबेगा तो देखिए वो क्या क्या चीजें होती है। जो पैसे उधार में जाते हैं, जो क्रेडिट होती है, उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गुड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट और बैड डेप्ट। गुड डेप्ट का मतलब होता है ये पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा, 100% गारंटी पैसा आएगा। डाउटफुल डेप्ट कुछ कह नहीं सकते आएगा कि नहीं आएगा, और बैड डेप्ट पक्का श्योर है 100% नहीं आएगा। गुड डेप्ट होता है 100% श्योर आएगा पैसा, ठीक है। बैड डेप्ट 100% श्योर नहीं आएगा पैसा, और अगर इसके बीच का कुछ भी है तो वो है डाउटफुल डेप्ट, राइट। चलिए, बैड डेप्ट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं आपको पता होगा, ये सब बेसिक क्लासेस में पढ़ रखे हो। जो अकाउंट्स पीएल में जाके चार्ज हो जाते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। जो बैलेंस शीट में नहीं अपीयर करते, पीएल में अपीयर करते हैं, उनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो बैड डेट पीएल में अपीयर होता है, एंड देयरफॉर इट्स एन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, हमने बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्या होता है। ये पास्ट एक्सपीरियंस आपका होता है जो बताता है आपको कि हर साल इतना पैसा तो डूब ही जाता है। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको जितना पैसा लगता है, पिछले 10 साल से हम धंधा कर रहे हैं, हमने देखा हर साल 5% डूब जाता है, जितना भी डेटर होता है ना 5% डूब जाता है। कौन पैसा नहीं देगा ये बात रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई ऐसा बैठ जाता है कहता है नहीं देंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नाउ लेट अस लर्न द एंट्री ऑफ दिस अकाउंटिंग फॉर बैड डेप्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स इज एज अंडर। पहले ईयर में आपको लगता है कि फलाना डेटर पैसा नहीं देगा, तो आप एंट्री करते हो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। यहां पे नाम है बेटा, ये ध्यान रखना, मिस्टर ए मिस्टर बी नाम है डेटर का, ये मत कहना सन्ड्री डेटर, टू द नेम ऑफ द डेटर लिख दू यहां पे। यहां पे जो होता है ना नेम ऑफ डेटर होता है, ठीक है। आप भी नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में, इफ यू हैव गॉट प्रिंटेड मटेरियल तो आप उसमें मार्क कीजिए, अदरवाइज व्हाटएवर जैसे भी आप नोट्स बना रहे हैं जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर इज नॉट बेसिकली द सन्ड्री डेटर, इट्स द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटर दैट वी चार्ज इन बैड डेप्ट, ठीक है। अगर हम प्रोविजन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, अच्छा एक सेकेंड, पहले बैड डेप्ट की ये एंट्री की है और फिर इसी बैड डेप्ट को हम पीएल में चार्ज कर देते हैं तो ये एंट्री होती है पीएल डेबिट टू बैड डेप्ट। भाई घाटा हुआ है ना, ये पैसा डूबा डेटर का तो घाटा हुआ, वो पीएल में चार्ज कर देते हैं। और अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं तो डेटर पे असर नहीं आता, सिखाया गया आपको डेटर पे असर नहीं आता अगर हम प्रोविजन बनाते हैं तो, सिर्फ पीएल पे असर आता है। डेटर पे असर क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर डेटर का नाम इधर उधर किए तो कालिक को दिए, बेइज्जती कर दिए, और बेइज्जती कर दिए तो अब तुम पैसा कोर्ट से भी नहीं निकलवा पाओगे, तो बेइज्जती नहीं करेंगे भाई किसी की, ठीक है। जब श्योर हो जाओ कि सामने वाला देगा नहीं तब गाली दे दो उसको, लॉ ये कहता है। खैर 1% भी चांस है कि वो पैसा दे सकता है तो चुपचाप रहो भैया बाबू बोलो उसको, ठीक है, क्योंकि जहां गाली दिए तो तुम पैसा नहीं निकलवा पाओगे अब। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई डो नॉट एक्चुअली मीन गाली का मतलब अब्यूज, व्हाट आई वांटेड टू से गाली मतलब बैड डेट। व्हेन यू आर चार्जिंग बैड डेट ना ये इंसल्ट होती है, जब आप लिखते हैं ना बैड डेट डेबिट टू रोहन तो पता है मैंने रोहन की ना एकदम छीछा लेदर कर दी, बेइज्जती कर दी उसको, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, न जाने मेरी बड़ी कंपनी है, मेरे बड़े सारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो देख रहे हैं, कह रहे रोहन अरे पैसा लेके डूब जाता है, अरे ये कैसा बंदा है, राइट। तो इफ इट इज प्रोविजन देन आई डू द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट ईयर अगर हम फिर से एंट्री कर रहेंगे कुछ बैड डेप्ट हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले साल जैसे चार्ज किए थे वैसे ही सेम इस साल भी चार्ज कर दो, बैड डेप्ट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, पीएल डेबिट टू बैड डेप्ट। लेकिन प्रोविजन की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाता हूं इसको, इसमें आपको आनंद आएगा थोड़ा। मान लीजिए
31 मार्च 2022 को मेरा डेटर था 50 लाख, ठीक है, और प्रोविजन पता है हम कितने का बनाते हैं? प्रोविजन प्रोविजन आई मेक ऑफ 5%। प्रोविजन आई मेक ऑफ 5% का मतलब ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि 5% पैसा हमेशा डूबेगा, ठीक है, 5% पैसा हमेशा डूबेगा। तो जल्दी बताइए पिछले साल हम कितने का प्रोविजन बनाए होंगे? 31 मार्च 22 में हमने बनाया होगा, और एंट्री क्या होगी? हम करेंगे एंट्री पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर, क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट, कुछ भी लिख लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से कोई भी पैसा डूबा ही नहीं, हो सकता है कि नहीं, कोई भी पैसा नहीं डूबा, और 31 मार्च 23 को मेरा डेटर पता है कितना है? मेरा डेटर है 60 लाख रुपए का। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कोई उसमें से डूबा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन डूबता तो ही है। अब इस साल फिर मुझे लग रहा है कि 5% डूबने के चांसेस हैं, क्योंकि हमेशा डूबता है भाई। तो कितना हुआ प्रोविजन? 3 लाख रुपया। आप ध्यान दीजिए, प्रोविजन क्या ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए का बना हुआ है? हाँ, पिछले साल का 2.5 लाख का प्रोविजन बना तो हुआ है, जिसमें से एक पैसा भी नहीं डूबा है। नो बैड डेप्ट, ऐसे मैं लिख देता हूं, नो बैड डेप्ट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, 22-23 में, मतलब 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में कोई भी बैड डेप्ट नहीं हुआ। तो भाई 2.5 लाख का प्रोविजन बना था, अब कितना नया प्रोविजन बनाने की जरूरत है? सिर्फ 50,000 की। 60 लाख का 5% होता है 3 लाख। यू नीड टू मेक प्रोविजन ओनली ऑफ ₹50,000। तो हम एक नया प्रोविजन इस साल बनाएंगे। ये एंट्री कब हुई थी? ये एंट्री हुई थी बच्चों 31 मार्च 22 को, और अब ये एंट्री हम करने जा रहे हैं 31 मार्च 23 को, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 50,000। ठीक है ये बात? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ये महसूस होने लग गया, क्या महसूस हुआ आपको, कि भाई 22-23 में एक पैसा भी नहीं डूबा है, अब पैसा थोड़ा कम ही डूबेगा, आपको यहां पे लगने लगा कि 5% नहीं, मुझे तो लगता है बस 2% पैसा ही डूबेगा, नहीं डूबेगा इससे ज्यादा, मतलब 60 लाख का 2% होता है 1,20,000, 1,20,000, इससे ज्यादा नहीं डूबेगा। लेकिन आपके पास तो 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप 2.5 लाख रुपए पीएल में चार्ज कर चुके हो पिछली बार बिना मतलब के, जबकि कोई डूबा भी नहीं, और अभी भी लग रहा है कि 1,20,000 से ज्यादा नहीं डूबेगा। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप प्रोविजन को रिवर्स कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 31 मार्च 23 को एंट्री बदल जाएगी, ये वाली एंट्री नहीं होगी जो अभी 50,000 के थे, अब एंट्री क्या होगी, 1,20,000 ही आपका लगता है कि प्रोविजन है, ठीक है, 60 लाख का 1,20,000, कितना प्रोविजन ज्यादा बन रखा है, 1,30,000 ज्यादा बन रखा है, तो उसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू पीएल 1,30,000। एक लाख तीस हजार उल्टा कर दिए, 1,30,000 यानी कम कर दिए प्रोविजन। अब प्रोविजन कितना बचा जरा देखेंगे, प्रोविजन पहले था 2.5 लाख का, 1,30,000 कम हो गया, तो कितना प्रोविजन बचा, 1,20,000 का बचा, यही तो बचाना था, 1,20,000 का प्रोविजन अभी भी रखना था। तो पिछले साल हमने 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कम किया था, तो इस बार 1,30,000 का प्रॉफिट बढ़ा दिए, क्यों? क्योंकि भाई डाउटफुल डेप्ट नहीं है अब, ठीक है, और सिखाऊं आपको, मान लीजिए बैड डेप्ट हो ही जाता, चलिए लिखते हैं बैड डेप्ट इन FY 22-23 इज
2 लाख 20 हजार, तो ध्यान से देखिए, आपने प्रोविजन कितना बनाया था? 2.5 लाख रुपए का। मेरे पास 2.5 लाख का प्रोविजन था, जिसमें से 2,20,000 रुपया डूब गया। ठीक है, तो 2,20,000 रुपए का जब आपका बेड डेप्ट हो गया, तो आप एंट्री करते हैं बेड डेप्ट डेबिट टू डेटर। मालूम ही है आपको, बेड डेप्ट डेबिट टू डेटर करेंगे 2,20,000 रुपया। क्या ये 2,20,000 रुपया आप पीएल में अब चार्ज करेंगे? पीएल अकाउंट डेटर यहां नेम है, बाई नेम, ठीक है ना, हम लिख देते हैं ऐसे। क्या आप ये 2,20,000 पीएल में चार्ज करेंगे? हमने आपको दिखाया था ना पहले एंट्री कर करके, देखिए यहां कहां था एंट्री, हाँ, बेड डेप्ट डेबिट टू डेटर, फिर पीएल डेबिट टू बेड डेप्ट। ये तो तब था जब प्रोविजन नहीं मेंटेन्ड है। अगर आपका प्रोविजन, आप तो पहले ही कह रहे थे ना 2.5 लाख डूबेगा, अरे तो आप तो पहले ही बोल रहे थे 2.5 लाख डूबेगा और प्रॉफिट कम भी कर चुके हो 2.5 लाख रुपए से, तो 2,20,000 तो डूबा है, क्या प्रॉफिट कम करने की जरूरत है अब? नहीं, उससे ज्यादा पहले ही ऑलरेडी कम पड़ा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, इस बेड डेप्ट को आप प्रोविजन में चार्ज कर दोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट डेबिट टू बेड डेप्ट। ठीक है, प्रोविजन का लाइबिलिटी बैलेंस था, हमेशा याद रखिएगा लाइबिलिटी बैलेंस होती है, अब हमने उसको, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने उसको डेबिट कर दिया 2,20,000 से। प्रोविजन कितना बचा? बस 30,000 बचा, 2.5 लाख बनाए थे, 2,20 खत्म हो गया उसमें से, अब पीएल में नहीं जाएगा ये कुछ भी। ठीक है, अब ईयर एंड पे आपको प्रोविजन कितना बनाने की आवश्यकता है, कितना बनाने की आवश्यकता है? मान लेते हैं 5%, 5% हमेशा डूबता है आपको लगता है, तो कितना, 60 लाख का 5% होता है 3 लाख। कितना बचा है? 30,000 बचा है, यानी कितना बनाना है? 270। ठीक है, हमको कितना चाहिए? देखिए, न्यू प्रोविजन कितना होना चाहिए? न्यू प्रोविजन होना चाहिए 3 लाख रुपया। न्यू प्रोविजन होना चाहिए 3 लाख रुपया। ठीक है, न्यू प्रोविजन बैलेंस 3 लाख रुपए का होना चाहिए, क्योंकि 60 लाख रुपए का मेरा डेटर है, तो 3 लाख रुपया बचना चाहिए। बचा कितना है? 2.5 लाख में से 2,20 चला गया, तो 30,000 रुपए बचा है, यानी 2,70,000 रुपया आप और ऐड करिए तो 3 लाख रुपया हो जाएगा। ये हो गई बैलेंसिंग फिगर। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बहुत सिंपल तरीके से समझिए, हमने 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन बनाया था पिछले साल, और इस साल हमको प्रोविजन कितना चाहिए? 3 लाख। 2.5 लाख में से 2,20,000 तो खत्म हो गया प्रोविजन, क्योंकि 2.5 लाख रुपया हम सोचे थे कि डूबेगा, लेकिन 2,20 तो ऑलरेडी डूब गया, तो बचा 30,000, जबकि मुझे चाहिए 3 लाख का प्रोविजन, तो कितना और बनाना पड़ेगा? 2,70,000 रुपए का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो हम नई एंट्री अब करेंगे, पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना? 2,70,000। आर यू लर्निंग? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और क्लैरिटी देंगे। 31 मार्च 2022 को डेटा था आपका 50 लाख, प्रोविजन आप बनाए थे 5%, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपका बैड डेप्ट हो जाता है 2,90,000 रुपया। ठीक है, अब 31 मार्च 2023 को कितना प्रोविजन बनाएंगे ये सब मैं नहीं कहता, छोड़ दो, हटाओ। ठीक है, तो प्रोविजन 31 मार्च 2022 को क्या एंट्री बनी थी, और जब बेड डेप्ट हुआ 2,90,000 रुपए का, तो एंट्री क्या होगी? ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हुई थी, इसकी भी डेट लिख लेते हैं, 1/9/2022 को हुई थी। मान लीजिए, कैन वी डू दिस एंट्री? यस, पहले तो हम 31 मार्च 2022 की एंट्री बनाते हैं।
एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ₹2,50,000 ठीक है। नेक्स्ट 1/9/22 को एंट्री क्या होगी जब बैड डेप्ट होगा, तो हम एंट्री करेंगे बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर। डेटर का बैलेंस हमेशा उड़ा दिया जाता है 2,90,000, कोई ना कोई एक डेटर डूबा है ठीक है, टू डेटर, और डेटर बाय नेम, नाम लिखिएगा भूलिएगा नहीं, ये हम आपके लिए लिखते हैं बाय नेम ब्रैकेट में, 2,90,000 रुपया। भाई 2.5 लाख रुपए सोचे थे डूबेगा, 2,90 डूब गया, ये बैड डेप्ट को प्रोविजन में चार्ज कीजिए अब ठीक है। 1/9/22 को ही प्रोविजन जो बनाए थे ये खत्म हो गया पूरा, डाउटफुल डेप्ट कितना 2,50,000 रुपया ठीक है। आपको याद होगा कि अगर प्रोविजन होता है तो हम प्रोविजन से बैड डेप्ट को चार्ज करते हैं और नहीं तो पीएल से चार्ज करते हैं, जब प्रोविजन नहीं होता है तो पीएल से चार्ज करते हो ना। तो देखिए 2.5 लाख रुपया का प्रोविजन था तो प्रोविजन खत्म कर दीजिए, भाई हमने सोचा था 2.5 लाख डूबेगा, डूब भी गया 2.5 लाख, लेकिन ज्यादा डूबा 2,90,000, 40,000 और डूबा, तो 40,000 रुपया और पीएल में चार्ज कर दो। देखिए आपका 2,90 डूबा है, क्या 2,90 पीएल में जाना चाहिए? आंसर इज यस, 2.5 लाख पहले ही चला गया था, आप जब सोचे थे डूबेगा तभी चला गया था, और 40,000 रुपया अब डाल दीजिए पीएल में। तो आप एंट्री करेंगे पीएल डेबिट 40,000 टू बेड डेप्ट 2,90। अब मान लीजिए इस साल के एंड में आप 60 लाख रुपया का डेटर है और 5% का प्रोविजन फिर से बनाना है, तो 3 लाख रुपए का नया प्रोविजन बनाएंगे जिसकी एंट्री करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 3 लाख रुपया। अब जितना भी क्लोजिंग है उतना और बना लीजिए प्रोविजन, 31 मार्च को अगर कुछ क्लोजिंग डेटर है और प्रोविजन बनाने का मन है तो आप बना सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर प्रोविजन बना ही क्यों रहा है, जब डूबेगा तो डूब जाएगा इकट्ठे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बेटा जिस दिन अकाउंट शुरू किए थे ना उसी दिन सीखे थे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। पता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि दुख अगर दूर खड़ा है तो भी उसको पकड़ के ऐसे खींच के लाओ, गले लगा लो और रो, और सुख खुशियां एकदम बगल में खड़ी है तो भी बस ऐसे बोलो आ गले लग जा, इंतजार करो। दिस इज कंजर्वेटिज्म। यानी अकाउंट्स में अगर आपका प्रॉफिट, दुख का मतलब क्या है, प्रॉफिट कम होता है, नुकसान है, तो उसको गले लगाना होता है खींच के, अगर लग रहा है कि हो सकता है ना तो अकाउंट्स में दिखाओ उसको। यही अगर कोई प्रॉफिट की बात होती ना, बेनिफिट की बात होती कि आ सकता है, तो आप अकाउंटिंग उसका प्रोविजन नहीं बनाते, प्रॉफिट बढ़ाते नहीं अपना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं क्योंकि हम अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म पे करते हैं, किसी भी चीज का डाउट है जिससे हमारी इनकम कम हो सकती है, दैट नीड्स टू बी डन, दैट नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको यहां पे एक्सपर्टाइज मिल गई है। अब हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जो आपके नोट्स में भी है। इलस्ट्रेशन 1, मिसेस अधुना इन कंपनी हैड अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेप्ट ऑफ 13,000 अगेंस्ट देयर बुक डेप्ट ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब कि 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग बेड डेप्ट का प्रोविजन था, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है ठीक है। 1 अप्रैल 2021 मतलब कि ओपनिंग प्रोविजन है ये। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 800 वाज प्रूव्ड इररिकवरेबल, 8,500 वाज प्रूव्ड इररिकवरेबल, मतलब 8,500 का बेड डेप्ट हो गया। अच्छा 13,000 ओपनिंग में प्रोविजन था, 8,500 का डूब भी गया। एंड इट वॉज डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन ऑफ बैड डेप्ट ऑफ 5% ऑन डेटर विच स्टूड एट 3,90,000। 3,90,000 रुपया का 5% प्रोविजन बनाने का मतलब आप मन कर रहा है बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट। अच्छा ये 3,90,000 बिफोर राइटिंग बैड डेप्ट है ठीक है। जैसे ही बैड डेप्ट को, बैड डेप्ट तो हम डेटर बैलेंस कम कर देते हैं ना, तो डेटर एक्चुअल में 31 मार्च को कितना है,
31 मार्च 22 को मेरा एक्चुअल में जो डेटर है वो 390 थोड़ी ना है, 390 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट है। अब बैड डेट तो जैसे ही होता है हम तुरंत बैलेंस कम कर देते हैं ना, एंट्री क्या होती है बैड डेट की, बैड डेट डेबिट टू डेटर। तो डेटर जैसे ही हम एंट्री करेंगे बैड डेट की, बैड डेट डेबिट टू डेटर, तो ये 390 में से माइनस हो जाएगा 8500 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8+500 तो 381,500 हो जाएगा। राइट, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब इसका 381,500 रुपया जो हुआ है इसका 5% प्रोविजन बनाएंगे। तो 31 मार्च 22 को प्रोविजन कितना होगा, प्रोविजन होगा 381,500 का 5% कितना होता है 19,075। कह रहा है प्रोविजन बनाइए बैड डेट का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, कितने का प्रोविजन बनना चाहिए, क्या मैं आपको एक मिनट दूं बताएंगे आप। ये तो हमारा क्लोजिंग प्रोविजन है, ठीक है, इतना होना चाहिए। कितना नया बनाना पड़ेगा, देखिए न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना बनाना होगा, 13,000 था, 8,500 उसमें से चला बैड डेट हो गया, ठीक है, तो और हमको चाहिए कितना फाइनली 19,075 चाहिए, हमको चाहिए फाइनली इतना, तो कितना ऐड करें कि 19,075 हो जाएगा, कितना ऐड करें कि 19,075 हो जाएगा। देखिए 13,000 में से 8,500 गया, कितना बचा 4,500 बचा और 19,075 करना है, तो 19,075 में से 4,500 घटा दीजिए, अब 14,575 और ले आइए, ये बैलेंसिंग फिगर, इतना नया प्रोविजन बनेगा। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए 13,000 था हमारे पास, 8,500 तो डूब गया, तो बचा 4,500 का प्रोविजन है और टोटल हमको 19,075 का बनाना है, 4,500 ऑलरेडी है, 19,075 का बनाना है, तो कितना और बना दी, 19,075 माइनस 4,500 आएगा 14,575 रुपया, 14,575 रुपीज। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का अकाउंट क्रिएट करना है, ये तो हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर ली, अकाउंट्स कैसे बनता है आइए ये भी सीख लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, देखिए बैड डेप्ट और आप डाउटफुल डेप्ट दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेट पर्टिकुलर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, 1/4/21 को जो बैलेंस था बाई बैलेंस बीडी वो कितना था 13,000, ठीक है। फिर हमने एंट्री क्या की, फिर हमने एंट्री की बैड डेट डेबिट टू डेटर, डू यू रिमेंबर, 8,500 का बैड डेट हुआ था, तो एंट्री क्या हुई होगी, बैड डेट डेबिट टू डेटर 8,500, ठीक है। ये तो मैं आपको लेजर बनाना है, यहाँ एंट्री नहीं करनी, लेकिन एंट्री नहीं करेंगे तो आप समझेंगे नहीं। और फिर इस बैड डेट को हमने प्रोविजन में चार्ज किया होगा, तो हम एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू बैड डेट, ठीक है, 8,500। आ रही है ना बात समझ में, तो ये एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट, ये एंट्री है प्रोविजन फॉर बैड डेट का खाता है, तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैड डेट, इसी एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं, टू बैड डेट 8,500, ठीक है। किस दिन हुआ है, 31 मार्च 22 को हुआ है ये, ठीक है। अब टू बैलेंस कैरीड डाउन, हमको बैलेंस कितना चाहिए, हमको बैलेंस चाहिए कितना वो इधर लिखिए,
हमको चाहिए 19,075, ये कैलकुलेशन किया था, 5% निकाला था ना, कहाँ गया भाई, अच्छा यहाँ था, 5% निकाला था, ये 19,075 रुपया चाहिए, तो 19,075 रुपया चाहिए। अब जितना नया बनाना है वो पीएल अकाउंट से आ जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो पीएल अकाउंट से बनाइए बैलेंस, यहां पे लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट, और ये होता है बैलेंसिंग फिगर बेटा, देख लीजिए जो भी बैलेंसिंग फिगर है, तो वो कितनी आ रही थी, 14,575, ठीक है यहां तक। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन टू देखेंगे अब हम लोग। ऑन 1st April 2021 द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट वॉज 13,000, अच्छा ये ओपनिंग प्रोविजन हो गया, ठीक है। द बैड डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर 21-22 वॉज 9,500, तो ये बैड डेप्ट हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। सन्ड्री डेटर एज ऑन 31st March 2022 स्टूड एट 3,25,000, ये क्लोजिंग डेटर हो गया, 31 मार्च 22 का स्टूड एट 3,25,000। आउट ऑफ दीज डेटर्स 2,500 आर बैड, अच्छा इसमें से भी 2,500 बैड है, तो क्या बदमाशी है भाई, एक साथ क्यों नहीं बोल सकते हो तुम, 9,500 बैड कह रहा था ड्यूरिंग द ईयर 21-22 हुआ है, और जो क्लोजिंग 3,25 है उसमें भी 2,500 बैड है, यानी बैड डेब्ट जो है 21-22 का, ये बदमाशी कर दिया आपके साथ दो बार बोल के, ताकि ध्यान से ना पढ़े बच्चा तो गलत हो जाए उसका, 12,000 रुपए बैड डेब्ट है, ठीक है, आर बैड एंड कैन नॉट बी रियलाइज, ठीक है। और क्लोजिंग डेटर फिर कितना है, क्लोजिंग डेटर कितना है, क्लोजिंग डेटर जो है वो 3,25,000 में से 2,500 बस माइनस करना है, बहुत बदमाशी कर दिया है ये 9,500 ना ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, क्योंकि कह रहा है डेटर 31 मार्च 22 को 3,25,000 है जिसमें 2,500 का बैड है, बैड डेप्ट है, यानी 9,500 का ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हो चुका था, ठीक है, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे से 2,500 का बैड डेप्ट चार्ज करना बाकी है, 9,500 ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हुआ था और 2,500 का चार्ज होना बाकी है, तो पता है क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर कितना है, क्लोजिंग डेटर है बच्चों 3,25,000 में से 2,500 गया, तो 3,22,500 है, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो भी समझो, ठीक है, राइट, 9,500 वाज चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, 2,500 इज लेफ्ट टू बी चार्ज्ड, द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज रेज्ड is to be raised to 5% on sundry debtor, acha closing provision kitna hona chahiye, closing provision hona chahiye 5% of the sundry debtor, theek hai 5% of the sundry debtor 3,22,500 ka 5%, 3,22,500 into 5%, ye ho gaya 16,125, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, 5% इसका निकालें, ये क्लोजिंग प्रोविजन हो गया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर बैड डेप्ट एंड प्रोविजन, बैड डेप्ट की और प्रोविजन की एंट्री मार दो कह रहा है, समझदार है भाई हम लोग, मार देंगे एंट्री बैड डेप्ट और प्रोविजन की, ठीक है, ओपनिंग प्रोविजन था 3,000, ये तो लास्ट ईयर एंट्री हो चुकी होगी 13,000, फिर अब बैड डेब्ट से एंट्री मानना शुरू करो, बैड डेब्ट 9,500 और 2,500, तो बैड डेब्ट डेबिट टू सन्डे डेटा 12,000, ठीक है, प्रोविजन ऑलरेडी 13,000 रुपए का है, तो क्या पूरा का पूरा प्रोविजन से चार्ज हो सकता है, आंसर इज यस, 12,000 हमारा बैड डेब्ट है, प्रोविजन 13,000 बना के बैठे हुए हैं, तो प्रोविजन डेबिट टू बैड डेब्ट, ये बैड डेब्ट को यहां पे लाके क्रिएट करके खत्म कर दिए, 12,000 रुपए का प्रोविजन गला दिए, खत्म कर दिए, यानी प्रोविजन बचा कितना 1,000 रुपए, याद रखिएगा, ठीक है, प्रोविजन बचा 1,000 रुपया, देखो बच्चों प्रोविजन था 13,000, ठीक है, उसमें से गल गया 12,000, बैड डेप्ट हो गया 12,000, अब कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि हो जाए 16,125, ये तो आ गया है ना करने, 13,000 था, 12,000 गल गया, बचा 1,000, अब कुछ और जोड़ेंगे उसे 1,000 में ताकि 16,125 हो जाए, तो कितना जोड़ दें भाई, 15,125 जोड़ दो ना मेरे भाई, बैलेंसिंग फिगर
आ गया, यही तो है पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15125। क्लियर है? सिर्फ क्लियर नहीं होना चाहिए, मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। ठीक है, आपको अगर मजा आया है तो आप हमारी टीम को कॉल करके बताया करिए कि हाँ हमें मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है लेक्चर्स करने में। ठीक है, वेबसाइट पे जाके रिव्यू दिया करिए, प्रोडक्ट पे ऐप पे रिव्यू दिया करिए। ठीक है, तब तो मुझे क्लियर होगा ना। ठीक है, अगर कभी आपने कोई वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखी एंड यू रियली एंजॉयड इट, तो हेजिटेट नहीं किया करिए, शर्माया नहीं करिए। ठीक है, ये ना सोचा करिए कि बहुत सुंदर शब्द मेरे पास नहीं है, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे आपके कैसे भी शब्द होंगे विच इज अप्रेजिंग, वो सामने वाले को अच्छा लगता ही लगता है। ठीक है, तो जिस भी भाषा में जैसे भी आप अप्रेज कर पाते हैं हमेशा कीजिए, व्हेन यू फाइंड समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टू यू। नाउ लेट अस प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या क्या लेजर बना दें, बैड डेप का खाता बना देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेप बना देते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो ऐसे नहीं बोलता प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर्स, वो पूरा लेजर का नाम बताता है क्योंकि उसके लिए मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये सब बस हम लोग जब क्लास में क्वेश्चन करते हैं ना तब ऐसे होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ओपनिंग में 13,000 था, बैड डेप 12,000 चार्ज किए, क्लोजिंग में हमको कितना चाहिए था 16125, तो बैलेंसिंग फिगर से ये आ गया 15125। ठीक है, अब ये बार बार नहीं बताऊंगा लेजर, अभी 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 तुरंत आपने प्रोविजन का लेजर बनाया है, बाई बैलेंस बीडी और इधर की तरफ होगा टू बैलेंस ईडी। ठीक है, टू बैड डेट ऊपर और इधर की तरफ बाई बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, सन्ड्री डेटर 3,25,000 का था। ठीक है, 31 मार्च 22 को जिसमें बैड डेट 2500 का बाकी था चार्ज करना, तो 3,22,500 नेट क्लोजिंग आ गया डेटर का। ठीक है, प्रोविजन 15125 का बनाओगे, ये तो हम कैलकुलेशन दिखा ही चुके हैं आपको, यही दिखाए हैं तो अब दोबारा से तो दिखाएंगे नहीं। ठीक है, बैलेंस शीट में ब्रैकेट में लिखे इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्यों लिखे हैं क्योंकि और भी चीजें होंगी, बस यही नहीं है बैलेंस शीट में, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। सन्ड्री डेटर 3,22,500 का था, 2500 रुपए वाला वो बैड डेट चार्ज हो गया ना, तो खत्म हो गया उतने से डेटर। अब प्रोविजन उसके बाद माइनस होता है, यहां से ऐसे दिखाते हैं, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 16125 माइनस होता है 3,06,375। ठीक है, तो चलिए बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में आई एम वेरी श्योर कि आपने महारत हासिल कर ली है, और इस क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे।